मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को लेकर विकास खंड की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को पुराने पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गई। वहीं सरकार के खिलाफ सभी ने नारे लगाते हुए कहा, मामा तेरे राज में कटोरा लिए हाथ में के नारे भी खूब जम कर लगाए। उनकी प्रमुख मांग है, आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए एवं जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 साल पूर्ण हो गए हैं उन्हें पदोन्नति की जाए, साथ ही उनकी अन्य मांगे भी पूरी की जाए। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। 10 साल हो जाते हैं पूर्ण, उनको डायरेक्ट नियुक्ति सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति किया जाए और उसके बाद है ना जो बगैर परीक्षा वगैरह ये नियुक्ति नहीं लिया जाए। अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्री प्राइमरी स्कूल जो रहेंगे उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षिका के रूप में प्रदर्शित। इस संबंध में किसी को ज्ञापन दिया पहले आपने कभी? हाँ, बहुत बार दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला आपको सरकार से? आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ भी आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। आप पूर्णतः काम बंद करके धरने पर बैठे हो? हाँ, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, धरने पर बैठी हैं और आगे अगर नहीं मांगे पूरी होती है हमारी। मांगों को लेकर आपने धरना दिया है, क्या प्रमुख मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांगे है परमानेंट करना। हम सभी महिला बाल विकास की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को सबसे पहले शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, साथ ही जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको एक सहायिका भी उपलब्ध कराई जाए और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 10 साल पूर्ण हो चुके हैं उनको सीधी पदोन्नत किया जाए। साथ ही साथ हमारे मानदेय में भी वृद्धि जो 1500 रुपये की गई थी पहले उसका एरियर सहित भुगतान किया जाए। इसी प्रकार कितने सूत्री मांगे जो आप के लिए? हमारी प्रमुख 11 सूत्री। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो अभी तो फिलहाल हम 23-28 तारीख तक धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं तालाबंदी और आगे अनिश्चितकालीन हमारे आंदोलन जारी रहे। पूरे ब्लॉक के बैठे हैं आप? हाँ, पूरे ब्लॉक कन्नौज परियोजना के हैं। तरह जो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान जो पात्रता है उसमें हमको भी शामिल किया जाए और स्वास्थ्य बीमा जो 5 लाख का आयुष्मान का सभी का जो हितग्राही है उनका लाभ दिलाते हैं डोर टू डोर जाके, पर हम लोगों को आयुष्मान में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को हेमा और साथ ही साथ ग्रेच्युटी भी दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।